हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्लैश मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में भी हम मेमोरी के बारे में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हम इसके तीन भाग बनाएंगे, जिसमें से दो भाग पब्लिश हो चुके हैं, पहले से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और सेकेंडरी मेमोरी का आज ये तीसरा भाग है, मींस पार्ट नंबर 3 है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लैश मेमोरी। आइए जानते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में कि क्या होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप। जो आपकी फ्लैश मेमोरी है, ये एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी चिप होती है। नॉन वॉलेटाइल से यहाँ पर अर्थ है कि यदि इस प्रकार की मेमोरी को कोई पावर सप्लाई नहीं मिलती है, तब भी इसके अंदर डेटा स्टोर बना रहता है। इसका बहुत ही अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। आप सबने देखी होगी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर यदि डेटा स्टोर है, तो उसको स्टोर बने रहने के लिए, मेंटेन बने रहने के लिए किसी प्रकार के पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने के लिए होती है। यानी जब आप इसको कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं, तब तो ऑटोमेटिक इसको पावर मिलती है, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसको पावर मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो पावर मिलनी बंद हो जाती है, उसके बावजूद भी पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा वो स्टोर बना रहता है। सो जो पेन ड्राइव है, वो आपकी फ्लैश मेमोरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हम फ्लैश मेमोरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आगे चल के पेन ड्राइव के बारे में अच्छे से डीप में थोड़ा सा देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। ओके, सो आई होप आपको ये लाइन बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि जो फ्लैश मेमोरी वो कैसी है, एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आगे हमने लिखा है, यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है अधिकतर, जैसे कि आपके पेन ड्राइव ही हो गई, इसका एग्जांपल ले लीजिए, इनका हम यूज़ करते हैं कि हम इसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकें, और स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक कंप्यूटर से दूसरी डिजिटल डिवाइस में डेटा को बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। सो आई होप ये लाइन आपको अच्छे समझ में आई होगी कि जो फ्लैश मेमोरी वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और साथ ही साथ में स्टोर करने के बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ दी एबिलिटी टू बी इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम्ड एंड इरेस्ड। जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें एबिलिटी होती है कि फ्लैश मेमोरी में आप इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम कर सकते हो, साथ ही साथ में आप उसके अंदर के डेटा को इरेस भी कर सकते हो। मीन्स फ्लैश मेमोरी के अंदर आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हो और उसको इरेस भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में से आपको किसी डेटा को डिलीट करना है या उसमें नया डेटा जोड़ना है, तो आपको फिर उसे सिस्टम के अंदर प्लग इन करना होगा, यानी कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तब हमने लिखा है, इट इज़ ऑफन फाउंड इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, डिजिटल कैमरास एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी है, ये अधिकतर कहाँ कहाँ मिलती है, तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी है, ये अधिकतर आपको मिलती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स में, यानी जो आपके पेन ड्राइव है उसमें मिलती है, या फिर डिजिटल कैमरा। बेसिकली आपने देखा होगा ना, डिजिटल कैमरा होता है, उनके अंदर मेमोरी कार्ड्स होते हैं, तो जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, ये डिजिटल कैमरास के अंदर, इनके अंदर भी फ्लैश मेमोरी का ही कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। ये मेमोरी कार्ड आपको डिजिटल कैमरे में भी मिलते हैं, और मोबाइल फ़ोन में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं, इनमें भी फ्लैश मेमोरी का ही यूज़ किया जाता है। और आगे फिर हम बढ़ते हैं, तो आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इसका शॉर्ट फॉर्म आपने हो सकता है सुना हो SSD। जो SSD है, वो एक तरीके से हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, और ये SSD जो है, ये भी फ्लैश मेमोरी के कंसेप्ट पर ही वर्क करती है, यानी इसके अंदर भी फ्लैश मेमोरी ही पाई जाती है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये पेन ड्राइव है ना, ये SD कार्ड है, ये आपकी SSD है। तो ये देखिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनके अंदर हम फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यानी इन डिवाइसेस के अंदर फ्लैश मेमोरी का हम यूज़ करते हैं। ना, अब हम बात कर लेते हैं, तो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। मीन्स अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ऐसे डिवाइसेस की, जिनके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है और फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। ओके, IN के बारे में जानते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट मीडिया।
जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये सॉलिड स्टेट मीडिया होती है, यानी ऐसा माध्यम होता है जो कि सॉलिड स्टेट का होता है। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट से क्या मतलब है, तो ये वाली बात हमने आगे लिखी, हमने लिखा है विच मीन्स दे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सॉलिड स्टेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, ये पूरी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ही मिलकर बनी होती है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो हमने आगे लिखा है सच एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो भी आपकी फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स होती है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव होगी या SSD होगी या आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, ये डिवाइसेस IC की मदद से बनती हैं, यानी इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पाए जाते हैं। फिर हमने लिखा है एंड कंटेन नो मूविंग पार्ट। ओके, जो आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है इनके अंदर IC तो यूज़ होते हैं, यानी इनको बनाने के लिए IC का यूज़ तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, यानी ये डिवाइस जो है वो मूव नहीं करती। आपने देखा होगा ना कि जो आपकी CD है, DVD, जब आप इनका यूज़ करते हो तो बेसिकली ये क्या करती है, मूव करती हैं ना। आपने आवाज़ भी सुनी होगी रोटेशन की, बट आपने कभी पेन ड्राइव को प्लग इन किया होगा कंप्यूटर से तो आपको कोई घूमने की आवाज़ नहीं आई होगी, है ना, जो पेन ड्राइव वो मूव नहीं करती। सो जो आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने उदाहरण के लिए देख रखी होगी पेन ड्राइव, ये इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बनती हैं, जिसके कारण ये सॉलिड होती हैं और इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। अब मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण क्या होता है, तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, हमने लिखा है डेट्स वाई, इसी कारण यानी मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण इट इज़ मोर ड्यूरेबल देन अदर टाइप ऑफ मेमोरी लाइक SSD और ऑप्टिकल डिस्क। मीन्स फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण ही अन्य मेमोरी डिवाइस जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई या ऑप्टिकल डिस्क हो गई, इनकी अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो एक सॉलिड मटेरियल की बनती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि IC, और साथ ही साथ में इनमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, और मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण ही काफ़ी ड्यूरेबल होती है अन्य मेमोरी की अपेक्षा। यानी अन्य मेमोरी का मतलब जैसे कि आपने पढ़ी ना HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क, है ना, इनकी अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ओके, सो अब हम उन डिवाइसेस की बात कर लेते हैं जिनके अंदर फ्लैश मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ पे तो आपने उनकी विशेषताएं देख ली कि क्या क्या विशेषता होती है उस प्रकार की डिवाइसेस में। अब वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, तो बेसिकली अभी आपको जस्ट मैंने बताया जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, जैसे कि SSD हो गई, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, तो इनके बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है USB फ्लैश ड्राइव्स। देखिए हमने क्या लिखा है USB फ्लैश ड्राइव के बारे में, हमने लिखा है अ USB फ्लैश ड्राइव समटाइम्स कॉल्ड अ थंब ड्राइव। जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव है इसको हम अधिकतर थंब ड्राइव भी बोलते हैं, जैसे कि आपने देखी होगी पेन ड्राइव। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है दिस ड्राइव प्लग इन ए USB पोर्ट ऑन ए कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। ठीक है, जो आपकी ये USB फ्लैश ड्राइव्स होती हैं इसको आसानी से कंप्यूटर के USB पोर्ट में आप प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आप इसको मोबाइल डिवाइस से भी अटैच कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है इट इज़ पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी इन अ की चेन और पॉकेट। बहुत ही सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा जो पेन ड्राइव है इसको आसानी से आप अपने पॉकेट में रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, या इसको आप की चेन में भी लगा सकते हो। ओके, सो आपकी USB फ्लैश ड्राइव होती है, यानी पेन ड्राइव के रूप में जो आपके पास फ्लैश मेमोरी होती है या पेन ड्राइव के रूप में आपके पास जो डिवाइस होती है इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हो। फिर हमने लिखा है कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स मूवीज साउंड पिक्चर्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव्स हैं यानी जो आपकी पेन ड्राइव होगी इसमें आप बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो, मूवीज स्टोर कर सकते हो, इसी प्रकार आप साउंड पिक्चर्स आदि कई प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हो, और आसानी से आप किसी अन्य कंप्यूटर में भी इस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक खास पॉइंट इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हमने लिखा है अ स्पेशल टाइप ऑफ USB फ्लैश ड्राइव कॉल्ड अ U3 स्मार्ट ड्राइव। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, U3 स्मार्ट ड्राइव एक स्पेशल प्रकार की USB फ्लैश ड्राइव होती है जिसको हम U3 स्मार्ट ड्राइव भी कहते हैं।
अब ये कहाँ यूज होती है, तो देखिए हमने आगे लिखा है इंक्लूड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एक्सेस्ड थ्रू अ विंडोज टाइप इंटरफेस। यानी ये जो पेन ड्राइव होती है U3 स्मार्ट ड्राइव जो होती है, इसके अंदर पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आते हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बड़ी आसानी से एक्सेस कर लिए जाते हैं। यानी ऐसे कंप्यूटर जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरीके के पेन ड्राइव को बड़ी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं और इनके द्वारा वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके की जो पेन ड्राइव है उसका नाम याद रख लेना आप, U3 स्मार्ट ड्राइव। ओके, तो ये थी आपकी USB फ्लैश ड्राइव। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं SSD। SSD के बारे में हमने लिखा है इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो आपकी SSD है इसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं। फिर हमने लिखा दैट टिपिकली यूज्ड फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। जो आपकी SSD है बेसिकली ये भी क्या आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही होती है। आपने हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ ली है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ओके, ये जो आपको दिख रहा है सामने डायग्राम ये SSD का है, ये हार्ड डिस्क की तरह ही होती है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो तो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करती है डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन जो आपकी SSD है वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी का। सो जो आपकी SSD है वो अपने अंदर डाटा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमने ये बताया है कि किन किन साइज में SSD अवेलेबल होती है। तो हमने लिखा है अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। ठीक है, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है जिसमें आपके SSD के कौन कौन से मुख्य साइज होते हैं। एक तो होता है 3.5, एक होता है 2.5 और एक होता है 1.8 इंच। मीन्स 3.5 इंच की एक SSD आती है, एक SSD 2.5 इंच की भी आती है और एक SSD 1.8 इंच की भी आती है। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है SSD आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग। जो SSD है वो सभी प्रकार के कंप्यूटर में पाई जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सर्वर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल। फिर हमने लिखा है कंप्यूटर बिसाइड्स डिवाइसेस सच एस। कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अलावा भी हैं और उनमें भी SSD का यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन सी हैं, तो पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल वीडियो कैमरा। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे SSD के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं तो एडवांटेज में हमने लिखा है एक्सेस टाइम्स ऑफ SSDs आर अबाउट 0.1 मिलीसेकंड्स, व्हिच इज 80 टाइम्स और इवन मोर देन फास्टर देन अ हार्ड डिस्क। जो SSD है इसका एक्सेस टाइम यानी डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो अधिकतर 0.1 मिलीसेकंड होता है। मीन्स इसका ये मतलब है जो आपकी SSD है वो 80 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा टाइम फास्टर है किससे, हार्ड डिस्क से। जो आपने हार्ड डिस्क पढ़ी थी ना मैग्नेटिक, उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है आपकी SSD। आगे बढ़ते हैं तब हमने लिखा है ट्रांसफर रेट आल्सो फास्टर देन कंपेरेबल हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा ना कि एक्सेस टाइम यानी डाटा को एक्सेस करने का टाइम इसका बहुत तेज है, यानी हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत जल्दी ये डाटा को एक्सेस करती है, उसी प्रकार डाटा को ट्रांसफर करने का भी जो टाइम है वो भी इसका बहुत जल्दी है, यानी बहुत जो ट्रांसफर रेट है वो हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है। हमने यहाँ पे उसके रेट भी लिखी है, हमने लिखा है 80 to 100 Mbps while ट्रांसफर रेट्स ऑफ टिपिकली 2.5 इंच हार्ड डिस्क इज अबाउट 60 Mbps। जो आपकी 2.5 इंच की हार्ड डिस्क होती है इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की रेट तो 60 Mbps तक ही होती है, लेकिन जो आपकी SSD है इसको यदि आप 2.5 इंच में लेकर आते हैं तो इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र की रेट है वो 80 to 100 Mbps तक की होती है। आगे बढ़ते हैं तो अब हमने तीसरा एडवांटेज लिखा है SSD जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम लेस पावर देन हार्ड डिस्क। ठीक है, जो SSD है वो हार्ड डिस्क की अपेक्षा हीट को भी कम जनरेट करती है और जो पावर है उसको भी कम कंज्यूम करती है। नाउ डिसएडवांटेज, फेलर रेट इज हायर देन SSD। जो SSD है इसका फेलर रेट ज़्यादा है HDD के अपेक्षा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट। ठीक है, तो हमने लिखा एंड कॉस्ट आल्सो हायर देन SSD। SSD है इसकी कॉस्ट है वो HDD की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय आ रही है कि आने वाले टाइम में जो SSD है ये सस्ती हो जाएंगी और आसानी से सबके लिए अवेलेबल हो पाएंगी।
आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की, जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी कार्ड। यहाँ पे हमने लिखा है, मेमोरी कार्ड्स इनेबल मोबाइल यूजर्स इजीली टू ट्रांसपोर्ट डिजिटल फोटोज, म्यूजिक और फाइल्स टू और फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। बहुत आसान सी बात लिखी हुई है यहाँ पे। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो मेमोरी कार्ड है, इनकी सहायता से हम बड़ी आसानी से फोटो, म्यूजिक, फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिजिटल डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस में बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है, अ मेमोरी कार्ड इज रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस। ठीक है, मेमोरी कार्ड कैसे होती है? रिमूवेबल, यानी जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल कैमरे में मेमोरी कार्ड होता है, तो रिमूवेबल यानी आप उसको डिजिटल कैमरे में से निकाल सकते हो। आपने देखा होगा ना मोबाइल में भी यूज होता है मेमोरी कार्ड, तो वो किस तरीके से यूज होता है? रिमूवेबल, यानी उस मेमोरी कार्ड को आप आसानी से निकाल भी सकते हो, दोबारा इंसर्ट भी कर सकते हो। ओके, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि मेमोरी कार्ड इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ये ऐसी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। और फिर हमने लिखा है, यूजुअली नो बिगर देन 1.5 इंचेस इन हाइट और विड्थ। जो आपने देखा होगा जो मेमोरी कार्ड है, इनका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं आता। तो हाइट और साइज या अधिकतर और अधिकतर इनकी क्या होती है, 1.5 इंच के करीब तक की होती है ना, ज़्यादा बड़ी साइज इनकी नहीं होती। फिर हमने लिखा है, दैट यू कैन इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और कार्ड रीडर राइटर। ठीक है, तो बहुत ही कम साइज की होती है और इनको किसी भी मोबाइल डिवाइस में, कंप्यूटर में या ऐसे डिवाइस जो कि कार्ड को रीड या राइट करती हैं, उनके स्लॉट्स के अंदर आप इसलिए इनको इंसर्ट कर सकते हो और जब जरूरत पड़े तब आप आसानी से उस स्लॉट में से मेमोरी कार्ड को रिमूव भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड्स। हम कुछ मेमोरी कार्ड्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉमन टाइप के मेमोरी कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कॉम्पैक्ट फ्लैश, कॉम्पैक्ट फ्लैश, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CF। दूसरा सिक्योर डिजिटल SD, आपने देखा होगा SD कार्ड, नाम भी सुना होगा। तीसरा होता है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं SDHC। देन माइक्रो SD कार्ड नॉर्मली आपने जनरली देखे होंगे, आजकल मोबाइल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। फिर माइक्रो SDHC, XD पिक्चर कार्ड, मेमोरी स्टिक माइक्रो, जिसको हम M2 भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये मेमोरी कार्ड्स के अलग अलग प्रकार हैं और इन नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका फ्लैश मेमोरी के ऊपर लेक्चर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लेक्चर लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।